कोई गुलबाकी रहेगा ना चमन। मिलके पढ़िए, बस रसूलुल्लाह का दीने, बस रसूलुल्लाह का दीने। बस रसूलुल्लाह का दीने। बंदे मार के, जख्मी करके, मोहताज करके जनाब आला चलने फिरने से लोगों को जनाब आला चलने फिरने में जनाब परेशानियां पैदा करके, तुम अगर ये समझते हो कि तुम गालिब आ जाओगे तो तुम्हारी गलत फहमी है। तुम फिरौन से बढ़ के ज्यादा बड़े लश्कर रखने वाले नहीं हो, तुम निमरूद से बढ़कर बड़े मुतलकुल हनान नहीं हो, तुम हलाकू और चंगेज से बढ़कर सफाक नहीं हो। वो सारी चीजें करने के बाद भी अगर इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अल्लाह के पैगाम का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो तुम्हारी औकात क्या है? बस इतनी सी बात है, हलाकू भी, चंगेज भी, वायसराय लाड मिकाले उसके चमचे, वो सब जो करके देख चुके हैं। न्याजी तू अपने आप को शीशे में देख उनके सामने, फिर अपनी औकात देख, फिर तुम्हें पता चलेगा सैयद किफायत अली काफी ने जो कहा वो सच हो गया। रसूलुल्लाह का दीन हसन। कहते हैं सोशल मीडिया बंद कर दो, पूरे पाकिस्तान में 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक उन्होंने सोशल मीडिया बंद किया है। मैं कहता हूं कि अगर इतने ही तुम अपनी बात में सच्चे हो और प्रोपेगेंडा की जनाब ये तमाम हरबों के बावजूद तुम अगर अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सके हो, तो मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि रत्ती के राई के दाने के बराबर तुम्हारे अंदर अगर इखलाक की जरूरत है तो तुम्हें वैसे ही दफा हो जाना चाहिए इक्तदार से। ये कैसा इक्तदार है जो बंदूक और गोली के बावजूद भी निहत्ते लोगों से, क्या जनाब उसके नजरिए से उन्हें पीछे भी ना हटा सका, तादाद कम भी ना कर सका, अब तादाद पहले से बढ़ती जा रही है, और खौफ के बावजूद अहबाब जौक दर जौक रसूलुल्लाह की नामोज पे पहरा देने के लिए आते हुए क्या कह रहे हैं? मन सब्बा नबी, मन सब्बा नबी, मन सब्बा नबी। फ्रांस ने अपने शहरियों को वापस बुला लिया है, उसने कहा जी पाकिस्तान छोड़ दें, तो फ्रांसीसी शहरी पाकिस्तान छोड़ गए हैं तो फ्रांसीसियों के चमचे भी इंशाल्लाह जल्द छोड़ जाएंगे। ये कोई भी आप क्या समझते हैं, ये पट्टा लिखवा के आए हैं, इनसे पहले बड़े बड़े आए हैं, ये हमारे आसाब आजमाना चाहते हैं कि जनाब मौलवियों के अंदर कितना दम है। तो हम कहना चाहते हैं बच्चे तूने हमारा दम देखा कहाँ है, तूने दूर दूर से देखा है पहला फैजाबाद का धरना कि 21 दिन उन्होंने भी सोचा था कि जनाब ये बैठ बैठ के मुल्ला है थक जाएंगे, जब मस्जिदों से छुट्टी होगी मदरसे से जनाब जब परेशानियां होंगी तो चले जाएंगे, लेकिन 21 दिनों के बाद तारीख का बदतरीन ऑपरेशन करने के बाद, वो भी वजीर का इस्तीफा और जनाब तरमीम की वापसी सारी चीजें करने के बाद उन्होंने भी हाथ जोड़े थे, और जब हम तुम्हारे पास आए थे तो तुम्हारे जबर तशद्दुद के बावजूद उन्होंने तो फिर भी कोई 21 दिन निकाले थे, किबला जनाब ने तो 21 घंटे भी नहीं निकाले थे।